हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले बैन के पावर फ्रेंड के बारे में। तो हम डिस्कस करने वाले क्रोमा स्टोन और फीबैक के बारे में कि कभी अगर इन दोनों फाइट हुई तो कौन जीतेगा, और इन दोनों की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बारे में बात करेंगे। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को जाकर लाइक कीजिएगा, और चैनल बनी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको बैंटन से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो जाकर मैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीडबैक। तो फीडबैक को सबसे पहले हमने देखा था बैन नॉमली वर्सन, वो बैन का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन है। तो अब हम बात करते हैं फीडबैक की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीडबैक की पावर्स के बारे में, पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो फीडबैक किसी भी टाइप की एनर्जी का एब्जॉर्ब करके अपने अपोनेंट पे फेंक सकता है, और फीडबैक काफ़ी ज़्यादा हाई जंप मार सकता है, और वो फ्लाई भी कर सकता है। और अब बात करते हैं फीडबैक की वीकनेस की। तो फीडबैक की वीकनेस है कि वो उसकी जब एक बार एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है, उसकी जब पावर खत्म हो जाती है तो उसे वापस एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो ये फीडबैक की वीकनेस हो गई। तो अब हम बात करेंगे क्रोमा स्टोन। तो क्रोमा स्टोन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बैन का एलियन है। तो सबसे पहले हमने क्रोमा स्टोन को देखा था बेंटन एलियन 4 सीरीज में, फिर हमने देखा था बेंटन अल्टीमेट सीरीज में, फिर हमने देखा था उसे बेंटन एलियन बेंटन ओमनीवर सीरीज में। तो अब हम बात करते हैं क्रोमा स्टोन की पावर्स और एबिलिटीज और वीकनेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमा स्टोन की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो क्रोमा स्टोन किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे फेंक सकता है, और क्रोमा स्टोन ग्वेन का मैना भी एब्जॉर्ब करके फेंक सकता है, और क्रोमा स्टोन फ्लाई भी कर सकता है, और क्रोमा स्टोन पूरा डायमंड का बना हुआ है। तो अब हम बात करते हैं क्रोमा स्टोन की वीकनेस की। तो क्रोमा स्टोन जब एक बार उसकी कुछ लिमिट होती है पावर एब्जॉर्ब करने की, वो कुछ लिमिट में ही पावर एब्जॉर्ब कर सकता है, और क्रोमा स्टोन क्रिस्टल का बना है इसीलिए उसे कोई भी काट सकता है, जैसे विलगैक्स ने काट दिया था क्रोमा स्टोन को। तो ये तो हो गई क्रोमा स्टोन की वीकनेस। अब हम बात करेंगे दोनों एलियंस की पावर्स और एबिलिटीज में, कभी अगर इन दोनों फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं दोनों की पावर्स की। तो दोनों ही एलियन पावर एब्जॉर्ब करके एक दूसरे पे फेंक सकते हैं, और दोनों एलियन फ्लाई भी कर सकते हैं, और दोनों एलियन स्पेस में सर्वाइव भी कर सकते हैं, और दोनों एलियन एंड टू एंड कॉम्बैक में ठीक है, पर फीडबैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड टू एंड कॉम्बैक में, और फीडबैक काफ़ी ज़्यादा हाई जंप भी मार सकता है एज कम्पेयर क्रोमा स्टोन। तो कभी अगर इन दोनों फाइट हुई तो फीडबैक जीत जाए, क्योंकि फीडबैक काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है एज कम्पेयर क्रोमा स्टोन, इसलिए फीडबैक जीत जाएगा। तो कभी अगर इन दोनों फाइट हो तो फीडबैक विनर होगा।